सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक प्रोडक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट मनीष। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास ये फ़ोटो है, हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम ये क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे। यहाँ से देखिए और शिफ्ट प्रेस करके जो है इसका सिलेक्शन करेंगे। देखिए हमारा सिलेक्शन हो चुका है, कहीं ये थोड़ा सा अंदर आ गया है तो इसको कम करने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे माइनस का निशान आ गया है तो हम इसको कम कर देंगे। यहाँ देख लीजिए सिलेक्शन कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखिए जैसे ये रह गया है, ये देखिए हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको इसका इनवर्स सिलेक्शन करेंगे तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल आई। ये देखिए अब हम सिलेक्ट पर जाएंगे, सिलेक्ट में मॉडिफाई करेंगे और फेदर देंगे इसमें 3 का। अब हम इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और ये हमारा हमारी बैकग्राउंड इमेज है, इस पर जाएंगे। अब हम यहाँ पर आके इसको कंट्रोल भी कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको कंट्रोल टी करके जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए जितना जहाँ पे एडजस्ट करना है कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है और बैकग्राउंड चेंज करने का एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब इसको हम डीसेलेक्ट करते हैं, डीसेलेक्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल डी। अब हम यहाँ से पेन टूल लेंगे, ये देखिए फोटो को बड़ा करेंगे, कंट्रोल प्लस से इसको जूम करेंगे और यहाँ से इसका सिलेक्शन बनाना चालू करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पे आपको कर दिखाई दे वहाँ पे आप क्लिक करते जाइए। देखिए इस तरह से देखिए और यहाँ पे आके इसको मिला दीजिए। अब हम यहाँ से एड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और ये जहाँ जहाँ पे छूट गया है इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए इसे यहाँ पे रह गया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पॉइंट बन गया है। अब इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे, ये देखिए यहाँ भी वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे पकड़ेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे। जैसे ये थोड़ा बाहर निकल गया है तो हैंडल को पकड़ के ऐसा कर दीजिए इसको। फोटो को ड्रैग करने के लिए आप स्पेस बार प्रेस करके रखिए।
ये देखिए, अब हम इसका सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो हमारा सिलेक्शन बन गया है। अब हम इसमें फेदर देंगे। फेदर देने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F6। तो ये हमने 3 फेदर दिया है यहाँ से। अब इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है इस पर जाएंगे, इसको हम हटा देते हैं। और कंट्रोल भी किया, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा।